हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड होंगे। कुछ क्वेश्चंस जो कि अभी मेरा एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, आरआरबी, एसएससी, जेईई, अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं और भी जो बीएसपी, एससीएल के जो जूनियर इंजीनियर है उसमें भी पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा ओ माइनस, ये मेरा है यूनिवर्सल डोनर है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट? तो इसका जो राइट आंसर वो है मेरा डी, 6.023 × 10²³। ये मेरा जो है एवोगाड्रो कांस्टेंट है, इसमें कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि वो सिंपल एक नंबर है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियडिक टेबल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा डिमिट्री मेंडलीव। तो मेरा राइट आंसर है 3 का ए। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ठीक है, तो देखते हैं पारसेक। पारसेक से डिस्टेंस माना जा मेजर किया जाता है, सही है। बैरल, बैरल से होता है जो पेट्रोल वगैरह है वो लिक्विड के लिए होता है, वो भी सही है। थर्ड है लाइट ईयर। लाइट ईयर से मेरा डिस्टेंस मेजर किया जाता है ना कि टाइम, तो इसका जो है ये मेरा पेयर है जो इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर इज माय ए बोनली 3, ये मेरा इनकरेक्ट है, सिर्फ 3। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा परम 10,000। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑन विच ऑफ द प्रिंसिपल डज हाइड्रोलिक वर्क? तो ये मेरा राइट आंसर है मेरा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ पे मेरा हाइड्रोलिक का जो प्रिंसिपल है वो वर्क करता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा पास्कल लॉ। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ईमेल? तो ये जो राइट आंसर है उसका मेरा है रेमंड टॉमिलिंसन। तो ये मेरा राइट आंसर रेमंड टॉमिलिंसन, 7 का सी। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द THAAD? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा बी, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaCl2? तो ये मेरा ब्लीचिंग पाउडर होता है CaCl2, ये मेरा कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, ये मेरा जो है ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट की तरफ। कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड, ओके। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट डज बी स्टैंड फॉर इन बायोस प्रोग्राम? तो ये मेरा बी होता, मेरा बेसिक होता। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। बाय विच मेथड ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मेरा फर्मेंटेशन होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में। हाँ, तो जो ग्लूकोज से जो अल्कोहल में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं, तो राइट आंसर इज ए फर्मेंटेशन। अगर नेक्स्ट की तरफ। प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज? ये मेरा रिडक्शन हो जाएगा, राइट आंसर इज रिडक्शन। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट हैपन इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? जब रिडक्शन में मेरा इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो ऑक्सीडेशन में मेरा ऑब्वियस वो मेरा लॉस होगा, तो इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट होता है ऑक्सीडेशन में। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज द पॉलीग्राफ? पॉलीग्राफ इज ए लाइट डिटेक्टर, राइट आंसर इज ए। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस? ओके, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा प्लॉटर। प्लॉटर मेरा आउटपुट डिवाइस है, जैसे कोई भी मेरा वो मेजर करता तो वो मेरा आउटपुट ग्राफ में दे देता वो प्लॉट करके, तो ये मेरा इनपुट डिवाइस नहीं है। ओके, आते हैं नेक्स्ट की तरफ। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा थॉमसन, जे जे थॉमसन। ओके, राइट आंसर इज बी, 16 का बी। इन MICR व्हाट डज आई स्टैंड फॉर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा सी, इंक। ओके, MICR में जो आई है वो मेरा इंक होता। अदर नेक्स्ट तरफ। मीना मैटर डिजीज इन ए नर्वस डिसऑर्डर कॉज बाय ईटिंग फिश पॉल्यूटेड विथ? ये मेरा होगा मरकरी, ये जो कि मेरा इंडस्ट्री के बगल में जो भी तालाब या नदी होते हैं उसमें जो मेरा बाय प्रोडक्ट के रूप में जो फैक्ट्री से फेंका जाता है वो, जिसमें अगर मरकरी कंटेंट है तो वो मछली खा लेती है, तो उसके अंदर मरकरी का कुछ पार्ट चला जाता है, तो अगर उसको अगर ह्यूमन को भी खाता है तो उसे ये मिनामाटा डिजीज़ होने की संभावना रहती है, तो वो मेरा मरकरी के से ही मेन होता है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जायंट पाइडा? तो इसका राइट आंसर इज ए मेरा है, एलुरोपोडा मालिन ल्यूएका। ओके, ये मेरा ए राइट ऑप्शन है जायंट पाइडा के लिए। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन? तो इसका जो मेरा राइट आंसर वो मेरा सीडराइट, ये मेरा है आयरन का ओर है। ओके, आते हैं नेक्स्ट की तरफ हम लोग। इसमें नेक्स्ट में दिया गया है मेरा पल्स आर रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पल्स जो मेरा दाल होता है वो मेरा प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव इज सेम वेदर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा। इसमें बोला गया कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा वो ऐसा दो एंगल है जिसमें अगर हम थीटा से भी फेंके तो वही है और
दूसरा क्या है, तो वो मेरा 90 माइनस थीटा। अगर हम थीटा को 45 रखें तो, अगर 30 रखें सॉरी, थीटा को अगर हम 30 डिग्री पे फेंकें या फिर 90 माइनस 30 मीन्स 60 डिग्री पे फेंकें, तो वो दोनों मेरा उसका जो होगा हॉरिजेंटल रेंज वो मेरा सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये, मतलब कि दो एंगल ऐसा होता है जिसमें मेरा हॉरिजेंटल रेंज सेम होता है, एक होता है थीटा तो दूसरा होता है 90 माइनस थीटा। ओके, आते हैं नेक्स्ट की तरफ। इलेक्ट्रोस्कोप बाद इन्वेंटेड बाई, तो ये जो मेरा इलेक्ट्रोस्कोप हुआ था वो मेरा जीन एंटोनियो नॉलेट पे उन्होंने ही, ये मेरा इसका राइट आंसर है, 3 का ए मेरा राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, ये मेरा राइट आंसर इज फोटोस्फीयर, ये मेरा फोर्थ का है फोटोस्फीयर। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या है, हाँ, एक्रा सपोटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये मेरा चीकू, चीकू का वो साइंटिफिक नेम है एक्रा सपोटा। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, फ्राइडे यूनिट ऑफ, ये सब जानते हो, कैपेसिटेंस। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, इसका राइट आंसर इज है स्पीड इंटू टाइम। ऑक्टोपस बिलोंग टू द फिलम्स, इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा मोलुस्का ए। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो राइट आंसर इज मेरा डी। आते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में मैंग्रोव्स आर प्लांट्स दैट हैव रेसिपिरेटरी सिस्टम, जो राइट आंसर इज 10 डी। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, पता होगा dpydt को अगर हम लोग एफ बोलते हैं, फोर्स मोमेंटम का फॉर्मूला पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है, तो अगर उसको हम लोग रेट ऑफ चेंज करेंगे तो एम इंटू dv/dt हो, dv/dt को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो वो मेरा राइट आंसर हो गया एम इंटू ए, तो वो मेरा फोर्स हो गया। ओके, आते हैं नेक्स्ट। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर इन सीमेंस, सीमेंस में जो मेरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, जो सीमेंस जो है वो मेरा ओम्स का अपोजिट है, रेसिप्रोकल ऑफ ओम्स, तो इसका मेरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। आता है नेक्स्ट की तरफ। विच केमिकल कंपाउंड इज यूज इन मेकिंग डाइज, तो ये मेरा डाई के करने के लिए मेरा राइट आंसर इज सी पोटेशियम कार्बोनेट। आता है नेक्स्ट की तरफ। द फिनोमिना विच कॉज मिराज इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट आंसर इज है। आता है नेक्स्ट की तरफ। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन, तो इसके लिए मेरा ये होता फैथोमीटर से, 15 का सी राइट आंसर पैथोमीटर। प्लैंक कॉन्स्टेंट है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका राइट आंसर इज बी एंगुलर मोमेंटम। आते हैं नेक्स्ट तरफ। हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल वर्क ऑन द पास्कल प्रिंसिपल, राइट आंसर इज ए। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। द बेसिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये मेरा राइट आंसर है फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स वो होता है कि दो एक एक पार्ट से मेरा टू पार्ट में डिवाइड होना, तो इसमें फ्यूजन किया जाता है। तो फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट तरफ। इन मोस्टली पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो राइट आंसर इज 19A। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। 90A मेरा लास्ट इस सेट का लास्ट है। आते हैं नेक्स्ट में क्या बोला। मैच द फॉलोइंग प्रोसेस, तो ये मेरा कुछ कुछ दिया गया। ए है मेरा इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन का मतलब हम लोग को पता है क्या होता है कि लिक्विड टू गैस होता है, मतलब कोई भी अगर लिक्विड है उससे गैस होता है, तो वो हमारा इवेपोरेशन है। तो ए का वन होगा, तो ए का वन, हाँ, तो ए और बी में से ए का वन हो गया इसका, ये मेरा ए है। आते हैं नेक्स्ट तरफ। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में होता है कि सॉलिड टू गैस जाता है। सॉलिड टू गैस मतलब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कपूर का। कपूर अगर सॉलिड में अगर आप उसे छोड़ देते हैं एयर में, तो वो डायरेक्ट गैस फॉर्म होता है, ना कि कोई बीच में कोई भी उसके लिक्विड फॉर्म नहीं होता, तो उसे हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मेरा बी का थ्री, ये मेरा बी के लिए हो गया। आते हैं नेक्स्ट। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का पता है कि हम लोग अगर क्या होता है, लिक्विड टू सॉलिड जाता है, तो वो मेरा फ्रीजिंग होता है, तो ये मेरा हो गया सी के लिए। आते हैं नेक्स्ट। मेल्टिंग, मेल्टिंग में अगर सॉलिड से लिक्विड कर दिया, उसे मेल्ट किया जाए, तो वो मेरा राइट आंसर है मेल्टिंग के लिए डी। तो ये किस पे हो गया, 3 का A, बी का सी, सॉरी, हाँ, 3 का A, बी का थ्री, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा बी। यहाँ से देख लेते, यूरोपेशन का मेरा लिक्विड ऑफ गैस, सी का टू, ये मेरा सी का टू यहाँ आ गया, और ये मेरा बी का थ्री यहाँ आ गया, ये मेरा डी का फोर, तो डी का फोर यहाँ मेरा आ गया। तो आते हैं अब नेक्स्ट स्टेट की तरफ चलते हैं।
हाँ नेक्स्ट में क्या बोला गया, इफ़ ए बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, अगर कोई बॉल को ऊपर फेंका जाए तो वो उसमें से कौन सा है जो चेंज नहीं हुआ, एक्सेलरेशन, स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस। तो ये स्पीड भी चेंज होता है मेरा, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, डिस्टेंस भी चेंज होगा। स्पीड क्यों चेंज होगा, अगर स्टार्टिंग में फेंका जाए तो आप कोई वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ऊपर जाते जाते मेरा उस पॉइंट पर जीरो होगा, फिर वो वापस नीचे गिरेगा, तो स्पीड मेरा चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल चेंज होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था एम जी एच, वो मेरा हाइट पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो चेंज होगा ही होगा, अगर आप शुरू में नीचे ग्राउंड के पास होंगे तो फिर हाइट पे कुछ फेंकें तो उसका डिस्टेंस चेंज होगा, तो वेरी नहीं करता। तो वो एसेलरेशन, एसेलरेशन क्यों नहीं वेरी करता, क्योंकि आप उसे अगर ज़मीन पर भी रख देंगे तो उस पर ग्रेविटेशनल एसेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लगेगा, और वो हाइट पे भी चला जाएगा तो वो मेरा 9.8 मीटर पर सेकेंड ही स्क्वायर ही रहेगा, तो मेरा जो है एसेलरेशन है वो मेरा चेंज नहीं होता। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है। जैसे कि अगर कोई स्लोप है, ये है मेरा, ये वी है, ये टी है, ठीक है, तो इसका मान ली कोई भी रहा इस तरह का, तो ये मेरा डी वी बाई डी टी देखता है, डी वी बाई डी टी पता कि क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो इसका मेरा राइट आंसर है 2 का ए। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट, इसका पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, राइट आंसर इज डी। आते हैं नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, तो इसका मेरा राइट आंसर है वो पायरोमीटर होता है, जो वेरी हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, द डिस्कवर ऑफ पेंसिलिन वाज, ये जो मेरा कौन सा डिस्कवर, वो मेरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेंसिलिन को। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्रेसोग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय जेसी बॉस, राइट आंसर इज 6 का सी। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंग इन, मतलब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ से स्टार्ट हो जाता, तो वो मेरा होता है बुकल कैविटी से ही वो मेरा स्टार्ट हो जाता। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, एनर्जी इज स्टोर इन लीवर एंड मसल्स, तो इसका जो मेरा राइट आंसर है वो है मेरा कौन सा होता है, वो ग्लाइकोजेन होता है, जो मेरा कि लीवर एंड मसल्स में स्टोर होता है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, वो मेरा बैक्टीरिया के कारण जो दूध से दही होता है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट में है द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इन ह्यूमन, तो ये मेरा पीएच वैल्यू मेरा 7.4 होगा। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, ग्रेफाइट यूज टू न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर, मॉडरेटर की तरह काम किया जाता है, क्योंकि जो मेरा ग्रेफाइट है वो मेरा एक्स्ट्रा जो मेरा गामा रेज और या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो मेरा ऑब्जर्व करते हैं वो ग्रेफाइट को, तो वो मेरा एक मॉडरेटर की तरह एक्ट करता है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज द कॉमन नेम ऑफ, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन, तो इसका राइट आंसर है टेफ्लॉन का, ये मेरा पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटोमिक न्यूक्लियस। ओके नेक्स्ट की तरफ आते हैं, ग्रेविनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक, तो जिंक को अगर हम आयरन को किसी भी प्लेट पे या सरफेस पे अगर हम लोग करते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं, तो उससे मेरा वो रस्टिंग नहीं होता। इससे आप लोग देखे होंगे, कोई भी रेलवे स्टेशन में देखे होंगे, वो मेरा पटरी के पास में अगर कुछ भी चीज़ लोहे का, तो उसे हम लोग एक सिल्वर कलर की पेंट से कर देते, वो सिल्वर कलर जो रहता है वो जिंक ही रहता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट की तरफ, डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर, तो मेरा साउंड इन टेस्टिंग के लिए होता है डेसिबल। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, इन सोनार बी यूज टू अल्ट्रासोनिक वेव, सोनार में मेरा अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, अकॉर्डिंग टू न्यू डिफिनेशन अडॉप्टेड बाई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ ए प्लैनेट, तो इसमें कौन सा था जो मेरा 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग वो मेरा प्लैनेट का हिस्सा नहीं था, तो वो मेरा राइट आंसर प्लूटो, प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, ओके 18 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर, इसमें से कौन सा जो सिल्वर कंटेन नहीं करता, तो राइट आंसर इज जर्मन सिल्वर, ये जर्मन सिल्वर में होता है जिसमें कि सिल्वर नहीं होता। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बाई एनोमीटर, तो ए एनोमीटर जो होता है इसका ए मेरा वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, बी है मेरा डेप्थ ऑफ वाटर, और मेरा सी है फोर्स ऑफ विंड, या डी है मेरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो मेरा राइट आंसर है वो मेरा फोर्स ऑफ विंड, जो एनोमीटर होता है वो मेरा विंड का फोर्स मेजर करता है। आते हैं नेक्स्ट तरफ, द इमेज फॉर्म बाई ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, तो राइट आंसर इज बी वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चन देखे हैं जनरल साइंस के, तो चलिए फिर आज के लिए ये, अभी हम लोग नेक्स्ट में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस। थैंक
थैंक यू।